सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। इस वक्त हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोडाखेड़ा में हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि dsadkanama.com की टीम है वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जा रही है, और हम मतदाताओं के साथ साथ कुछ ऐसे रोचक किस्से और कहानी भी आपको सुनाते हैं। मेरे सामने जो आप शख्स देख रहे हैं, किसी समय में 12वीं पास हैं ये, और उस समय में जब बहुत कम लोग इस इलाके में पढ़े लिखे थे, और उसके बाद ये साक्षरता मिशन में कलर का वर्क कर रहे 92-95 में 3 साल मैंने साक्षरता मिशन में एज ए ऑफिस असिस्टेंट, और इसके अलावा इशार कला जता संयोजक का मैं जो है उसको एडिटर कहिए चाहे प्रधान कहिए, प्रधान था इसका। मेरा काम था गांव-गांव में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उसके बारे में नुक्कड़ नाटक और कथाएं और लोगों को जो है इसके बारे में संदेश देना। मैंने 3 वर्ष के अनुभव में बाड़मे टू पिचाड़मे के 3 वर्ष के दौरान जो है इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और बाहर की टीम ने भी आकर मेरे गाँव जो पबलो के पास में गांव पड़ता है मंडोली खुरुद, वहां का सर्वे किया था उस टीम ने, वो उस समय भी मेरी 80 क्लास उन्होंने कवर की थी पढ़ाई के मामले में, जिसके अंदर 9 से 44 के जो नव साक्षर थे, अनपढ़ लोग थे, उनको जागरूक करने का हमारा जो मिशन था वो, उसके अंदर जो है करीबन 35 से 40 लोगों ने 3 कायदे थे हमारे, 3ों कायदे पढ़कर उस टीम को सुनाए थे। तो आज जो है जैसा भी है अक्सर दीप जले हैं। हाँ, अक्सर दीप जले साक्षरता मिशन, तो उसके अंदर हमने 3 साल का हमारा अनुभव है। तो फिर अब आप चाहे उसके बाद चाहे तो ऐसा सर उसके नौकरी क्या वो तो हमारा जो तो यूनियन सरकार की वो स्कीम थी, वो बाहर का पैसा था, जब तक वो पैसा उनके भारत सरकार के पास में था तो जब तक वो स्कीम चली, उसके बाद में हमको घर बिठा दिए कि बाहर का पैसा था, वो पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म। और हाँ, दादा गौतम कहता है ना भाई, खेल खत्म पैसा आजम, पैसा आजम हो गया, पैसा आजम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर आपको चाय बनानी पड़ी। उसके बाद में मैंने मैसन का कार्य किया, यानी कि मैसन बोले तो राजमिस्त्री, उसी के दौरान कुछ हादसे के दौरान जो है मैं एक्सीडेंट हो गया था, तो आप इससे थोड़ा सा दिव्यांग हो, डैमेज हो गया, दोनों कुल्ले जो है मेरे डैमेज हो गए थे, तो दूसरा काम करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैंने चाहा कि इसमें अपना दाल रोटी कुछ बच्चों का लालन पोषण करने के चाहिए वर्क मैंने। वैसे चाय में स्कोप बहुत है, चाय का भी अपना अच्छा स्कोप है, बाहर से भी स्पेशल कस्टमर ऐसे भी हैं, विदेश के प्रधानमंत्री भी चाय बनाते रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कोप अच्छा है, स्कोप बहुत बढ़िया है जी। वैसे लोग यहाँ भी कई बार मेरे को मोदी के नाम से भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं। मोदी आपको मोदी कह देते हैं कई, मोदी किस लिए कहते हैं कि बस चाय वाला है ये, तो मोदी की किस्मत चमकी, अपना बहुत मशहूर है, हमारी यहाँ से रेड जाती है 5 बजे से 9 बजे तक वहाँ पर जाती है, शहीद पार्क के पास में अपने ब्रेड और पकौड़े भी बहुत मशहूर है, बनाते हैं खिलाते भी है, खाने वाले खाते हैं, मोदी कहते हैं आपको लोग, मोदी भी कह देते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि जो भी मीडिया वाला आता है आदमपुर चुनाव में सर्वे करने के लिए, वो आपके ही जाके टक्कर मारता है यहाँ, सीधा यही आता है, हाँ सीधा मेरे से टक्कर मारता है, मेरे से फिर कहने वाली बात कही जाती है उसमें, शाम को आपको फिर जो है सिफारिशें शुरू हो जाती हैं भी आप ऐसे हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो मैंने कहना ही बंद कर दिया, जैसे भी अपना एक वोट है, अपना एक एक दो वोट अपने परिवार के जो भी वोट अपने को देने, अपना जहाँ जी करेगा कॉल के टाइम जाएंगे, जहाँ पर मन करेगा वहाँ पर ठोके आएंगे, मन को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, अपना खुद का अधिकार हम जहाँ जी चाहेंगे वहाँ डालेंगे, बिल्कुल। तो आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले आपके पास बैठे थे, वो चाय, वो तो चाय की मशहूरी है, एक चाय देखे थे, ये देखो आप चाय, ये कौन सी जगह की चाय है, बोले अंकल आप ये चाय पिलाइए लोगों को, इसके अंदर जो है वो फलाना टेस्ट है, तेजाब नहीं बनाती है, और इसको आप तो आम आदमी पार्टी ये कोई वोट के लिए कर रही है या वैसे कुछ फ्री सेवा कर रही है, साथ साथ में शायद आपको पैसे लगे गए फ्री देखे गए,
कितने ही फरी देख गई है, कल और आने वाली 15-20 पुड़िया सैंपल के रूप में मेरे को दे गए हैं कि सैंपल और क्या कह गए हैं कि और देके जाएंगे। हाँ। तो कई 15-20 पुड़ियों के ये तो नहीं कह गए वोट वोट डाल दे। ना ना ना, वोट अपनी मर्जी का सर, वोट अपनी मर्जी का। अच्छा, वोट मर्जी का, ये तो मशहूरी है। लेकिन चाय का सरदार जी आए थे, वो चाय का ज्ञानी थे। हाँ, दो सरदार जी थे ज्ञानी थे, वो यहाँ प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी का। अच्छा, वो ही आपको देखे गए भी चाय है। बोल रहे थे पंजाब से कई लोग आ रहे हैं हम यहाँ पर, हमारे यहाँ थोड़ी सी राजनीति अगर बात कर ले वो वही बात हो जाएगी कि आपको शाम को पकोड़े बेचने वाले रेडी पे। यही है सर, क्या यदि जेपी साहब को यहाँ टिकट मिलती है आदमपुर हल्के से, तो ऐसी बात नहीं है, टक्कर देने वाले हैं गदर नेता है, ऐसी बात थोड़ी है। पहले भी टक्कर दी थी 4,500 वोटों से पराजित हुए थे, तो अब की बार यदि कोशिश करेंगे तो फुल टक्कर रहेगी, ऐसी बात नहीं है। जेपी टक्कर और कोई नेता मेरे हिसाब से तो जेपी का नाम निकल गया था सामने। तो कांग्रेस वाले आपस में ही एक दूसरे पे कह रहे हैं कि भी जेपी को टिकट दे दिया, कुछ नेताओं ने दे दिया, दूसरे नेता उनसे खपा हैं। कांग्रेस अपने अपने झगड़े में तो नहीं फंस जाएगी? नहीं, अपने झगड़े में कैसे फंसेगी, जेपी जो है गदर नेता है जी, जेपी को ये टिकट देते हैं तो ऐसी बात नहीं है, इसके पास में वोटर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जेपी बहुत हैं, टक्कर देगा ऐसी बात नहीं है। बाकी कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी में गया है, और अब जो कांग्रेस, पहले कांग्रेस के वोट कुलदीप बिश्नोई के साथ होते थे, अब वो कितना का वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होगा? इसमें फर्क तो देखो कुछ पड़ने वाला है, ऐसी बात नहीं है। जो कांग्रेस वोट तो नहीं जाएगा या टोटल वोट जाएगा? टोटल नहीं जाएगा। और बीजेपी का कितना वोट जो कार्डर वोट है जो पिछली बार सोनाली फोगाट को मिला, वो वोट अब कुलदीप को तरफ जाएगा, वो भी है कुछ वोट भी जा सकता है कोई यहाँ के सिनेरियो के हिसाब से जो लोग अब कुलदीप के साथ चल रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, जो सोनाली के पास जो वोट थे वो सोनाली के ही थे वोट, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुलदीप के जो वोट हैं, कुलदीप के उतने जो भी वोटर हैं वो कुलदीप के खड़े हैं, वोट बिल्कुल खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और फिर एक दो और किस्से कहानियों की तरफ आपको ले चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।